में और ये मैं नए बच्चों को बता रहा हूं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। यहां पर कह रहा है नेम द प्रोसेस एसोसिएट विद द फॉलोइंग। ओके, तो नीचे कुछ फॉलोइंग आपको प्रोसेस दिए गए हैं, ठीक है, तो उन प्रोसेस का आपको नाम बताना है। पार्ट ए लेते हैं। कह रहा है ड्राई आइस इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर एंड एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। देखिए इसका क्या मतलब है, बात समझो। ड्राई आइस क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ना एक्चुअल में देखने में आइस जैसा ही लगता है, बर्फ जैसा लगता है। तो ये जो ड्राई आइस होती है, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इस पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके इसको कौन से फॉर्म में ले आते हैं? जब इस पर प्रेशराइज करोगे और लो टेम्परेचर करोगे, नॉट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में तो वो और एक्सपैंड होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इसको हम सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं। जब इसको सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठीक है। देखिए आइस से आप कूलिंग, मतलब कूलिंग इफेक्ट के लिए हम लोग आइस यूज़ करते हैं ना। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक ठंडा करना है तो अब आइस के क्यूब्स लिए बहुत सारे, थर्माकोल का बॉक्स नहीं होता है, ठीक है, उसमें आइस क्यूब्स रख दिए और उसमें हमने कोल्ड ड्रिंक की जो कांच वाली बॉटल होती है वो डाल दी, उसकी जगह अगर हम ड्राई आइस यूज़ करें बच्चों तो ये कूलिंग इफेक्ट अच्छा देता है। क्यों? क्योंकि आइस का टेम्परेचर मान लो होगा 0 डिग्री सेल्सियस या मान लो -1 डिग्री सेल्सियस, इसका उससे भी कम होता है, तो ये कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, आपने ड्राई आइस बनाया कैसे था? हाई प्रेशर पे, ज़्यादा प्रेशर लगा के और टेम्परेचर कम करके, लो टेम्परेचर करके। हाई प्रेशर का मतलब समझ रहे हो, आपने उसके ऊपर जो भी है वो किसी मशीन से ही ऑब्वियसली बनाया जाता होगा ये सब, तो वो सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाई प्रेशर लगाया था, लेकिन जब आप इसको खुले में छोड़ देंगे बच्चों, ये देखिए ड्राई आइस है, ठीक है, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने इसको ओपनली अगर छोड़ दिया, ओपनली छोड़ दिया, अभी हम लोग यहाँ पर जैसे खड़े हैं तो कितना प्रेशर लग रहा है बताओ? 1 atm भाई। नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? 1 atmospheric प्रेशर। और ये प्रेशर जो है वो उस प्रेशर से कम होगा, किस प्रेशर से कम होगा? जिस प्रेशर पे इसको सॉलिड फॉर्म में चेंज किया गया था। तो अब ये नॉर्मल प्रेशर पे आ गया, तो जब ये नॉर्मल प्रेशर पे आ जाएगा और रूम टेम्परेचर पे है ये, ठीक है, तो क्या करेगा ये? वेपर्स में चेंज होना शुरू कर देगा। तो डायरेक्टली ये सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। सॉलिड से गैस में ये चेंज होने लगेगा, ठीक है। और आपने कभी स्टेज वगैरह पे परफॉर्मेंस देखा हो ना, तो वो गैस टाइप का नहीं निकलता है कुछ, मैंने आपको क्लास में बताया वो क्या होता है, ड्राई आईसी होती है, वो सीधे किस में जाती है? गैशियस फॉर्म में जाती है। ओके, तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड रख देते हैं वहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है, और वो सीधे वहाँ पर रूम टेम्परेचर और 1 atmospheric प्रेशर ही होता है ऑब्वियसली सब जगह, तो 1 atmospheric प्रेशर पे वो सीधे किस में चेंज हो जाती है? गैस में। तो सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो रहा है, बताओ कौन सा प्रोसेस है? सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधे गैस में जाना सब्लिमेशन। तो ये प्रोसेस क्या है? आंसर ए क्या है हमारा? सब्लिमेशन। ओके, लेते हैं पार्ट बी। कह रहा है अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस ऑन द सर्फेस। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। देखो बच्चों, क्या आपको डिफ्यूजन पता है केमिस्ट्री में? डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए डिफ्यूजन होता कहाँ है? तो जवाब है कि डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स और गैसेस में। डिफ्यूजन कहाँ होता है? लिक्विड और गैसेस में। तो सबसे पहली बात हमने आपको बताई क्या, कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस होगा वो किस में होगा? लिक्विड्स में एंड गैसेस में आपको देखने को। तो सर ये डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? डिफ्यूजन ये होता है कि जब कोई गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से कहाँ मूव करे? लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल हम आपको कैसे दें, आपके घर में जब खाना बनता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपकी जो कढ़ाई है जहाँ खाना पक रहा है वहाँ से वो स्मेल आप तक कैसे पहुँचती है? डिफ्यूज होके। वहाँ पे जैसे ये खाना पक रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो ये मसाले से जो भी मतलब वाटर वेपर्स में जो मसाले की महक है, हम बोलेंगे एक जो गैस है, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? ज़्यादा। और आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? कम। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाती है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका? डिफ्यूजन का। और मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, मान लीजिए कि हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ परफ्यूम का भी। और उसके बाद आप ले लीजिए, मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए अभी यहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम है। हमने यहाँ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर ओपन कर दिया मान लो, या कोई भी गैस है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हमको पता है बच्चों कि गैसेस के पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री रहते हैं, वो फ्रीली मूव करेंगे रूम टेम्परेचर पे, बहुत अच्छी तरीके से उनका मूवमेंट होगा, ये बात आपको पता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है,
और लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहां उसकी क्वांटिटी कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करना, किसका मूव करना, लिक्विड के पार्टिकल्स या गैसेस के पार्टिकल्स का मूव करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है यहां पर ये यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिए, कह रहा अ ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द वॉटर कंटेंट इन अ ग्लास स्प्रेड थ्रू आउट द वॉटर। इसका मतलब क्या है देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि एक ग्लास रखा हुआ है, ये देखिए एक ग्लास है, ठीक है, और ग्लास में ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो हम आपको ग्लास में देखिए वाटर दिखा रहे हैं, तो ये वाटर भरा हुआ है इसमें। अब हमने क्या किया, ये सर्फेस है वाटर का, हमने क्या किया एक ड्रॉप लिया इंक का और धीरे से यहाँ हमने सर्फेस पे गिरा दिया। जैसे ही हम सर्फेस पे गिरा देंगे वाटर, सॉरी क्या गिराया हमने, वाटर के सर्फेस पे इंक का ड्रॉप गिराया। अब देखिए इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में, इंक भी लिक्विड फॉर्म में थी, ठीक है, तो इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर मूव करेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंक के पार्टिकल्स हैं, यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से ये ऐसे मूव करना, स्प्रेड करना शुरू करेंगे चारों दिशाओं में ऐसे सब अंदर तक। और आपको इंक का एक ब्लैक कलर की, मान लो इंक है पानी में या ब्लू कलर की जो भी हो, तो आपको ब्लैक कलर के क्लाउड्स बनते हुए नजर आते हैं वहां पर। देखे देखा है कभी करके देखो, एक ड्रॉप इंक डालो आप वाटर में और ग्लास आपका कांच का होना चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लाउड जैसा ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ना और एक क्लाउड ऐसे फैलता जाता है। आप इसको छेड़ना नहीं, एक बूंद डाल के इंक छोड़ दो और दूर से इसको ऑब्जर्व करो, तो एक क्लाउड ऐसे एक्सपैंड होता जाता है, फैलता जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली रूम टेम्परेचर पे मूव कर सकते हैं, ये हमें पता है। सॉलिड के पार्टिकल नहीं मूव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मार्कर है ये सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स अभी रूम टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि निकल के भाग जाएंगे खुद ही, ठीक है, इसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इसको, मतलब ले जाओ बर्नर पे गर्म करो तो ये मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होने लगता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिससे वो चलने लगेंगे, बट ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर मूव नहीं करेंगे, लेकिन गैसेस और लिक्विड्स में वो रूम टेम्परेचर पे भी जनरली मूव करते हैं, इसलिए डिफ्यूजन हमको देखने को मिलता है, मतलब पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया, यानी कि अब हमको तो लग रहा है कि ये डिफ्यूजन है, ठीक है, तो इसलिए हमने आंसर में क्या लिखा है यहाँ कि ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है। पार्ट सी देखिए, कह रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर पता है क्या किसी को, पर्पल कलर होता है, बिल्कुल सही, पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर कैसा होता है, पर्पल। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का हमने क्रिस्टल लिया, मतलब उसका टुकड़ा लिया, ठीक है, हाँ, अब क्रिस्टल का और भी डेफिनेशन होता है वो हम लोग क्लास ट्वेल्थ में देखेंगे, छोड़ो उसको, क्लास में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, जाके लिंक में क्लिक करिए, सब कुछ बताया मैंने क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ तो हम इसको सॉल्व करा रहे हैं। अब पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल इज इन बीकर, इसकेप्ट इन एन बीकर होना चाहिए ना, इज इन अ बीकर, क्वेश्चन क्या है, इज इन अ बीकर, ओके, एंड वाटर इज पर्ड इन टू द बीकर विद स्टीरिंग, मतलब समझो समझो रहा बात को, एक बीकर में क्या रखा हुआ था, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, तो ये देखिए ये बीकर हमने बनाया और बीकर में पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल टुकड़े रखे हुए थे कुछ यहाँ पे, ये देखिए अभी सिर्फ टुकड़े ऐसे सॉलिड फॉर्म में रखे थे, हमने ऊपर से क्या डाला, वाटर डाला, एंड वाटर स्पार्ड इनटू द बीकर विद स्टिरिंग, पानी डाल के हिलाया अभी, ठीक है, जब आप स्टिर करोगे ना तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्रिस्टल धीरे धीरे वाटर में क्या होने लगता है, डिजॉल्व होने लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से जरा चेक करेंगे बच्चों तो क्या होगा कि इसका कलर धीरे धीरे पर्पल होने लगता है, सॉल्यूशन पर्पल कलर का बनने लगता है। इसका मतलब क्या है, जब आप पानी ऊपर से डालते हो और हिलाते हो, अगर नहीं भी आप हिलाओ ना तब भी आपको धीरे धीरे कलर पर्पल दिखाई पड़ना, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर जाएंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिल रहा है, ध्यान से चेक करो, सॉल्यूट क्या है आपका, पोटेशियम पर मैग्नेट, और सॉल्वेंट क्या है, हाँ वाटर है, तो डिसोल्यूशन भी लिख सकते हैं। और करके हमने डिफ्यूजन क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए बच्चों जैसे ही थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, जैसे ही पानी इसमें डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब कलर आएगा, ये जब कलर आएगा तो एक कलर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे बना, और ये कलर्ड सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड, और ये कलर धीरे धीरे आगे फैलता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है जो कि लिक्विड है, सॉल्यूशन जो कि लिक्विड है, के पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहे हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब जिधर उसको पानी मिल रहा है वो उधर, मतलब बात समझ, जिधर रंग नहीं है, जिधर कलर नहीं है वो उधर मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिफ्यूजन भी लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ हम डिसोल्यूशन डिफ्यूजन दोनों करके आंसर देंगे, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ही पार्ट डी है, आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का पार्ट डी ले रहे हैं, तो पार्ट डी में बच्चों देखिए क्या बोला जाता है, आपको बोला था एसीटोन बॉटल इज लेफ्ट ओपन
एसीटोन की बात हम इससे पहले भी किसी क्वेश्चन में कर चुके हैं, याद है? एक स्टूडेंट ने गलती से वाटर की जगह क्या मिला दिया था, एसीटोन, याद है? तो एसीटोन का जो अपीयरेंस होता है देखने में वो वाटर जैसा ही लगता है, ये तो एक जनरल नॉलेज का है बात। तो एसीटोन बॉटल इज लेफ्ट ओपन, द बॉटल बिकम्स एम्प्टी। ओके, देखते हैं जरा क्या होता है। देखो बच्चों, ये एसीटोन रखी हुई थी, ये एसीटोन केमिकल होता है, ये एसीटोन रखा हुआ है जिसका अपीयरेंस वाटर जैसा है और लेफ्ट ओपन मतलब ऊपर से खुला हुआ है, ठीक, एंड बिकम्स एम्प्टी। अब ये कुछ दिन, कुछ टाइम के बाद खाली हो जाती है या कुछ दिनों के बाद, ये भाई ज़्यादा होगा तो कुछ दिन लग जाएंगे और अगर कम होगा अमाउंट इसमें तो थोड़ा ही टाइम, दो चार घंटे में खाली हो जाएगा। तो ये एम्प्टी क्यों हो गया, सोचिए, इसमें लिक्विड था, लिक्विड एसीटोन था, अब इसके क्या बन गए होंगे धीरे धीरे, वेपर, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन हुआ होगा, पहले एक सबसे टॉप वाले सरफेस का लेयर इवेपोरेट हुआ होगा, फिर उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे, एंड सो ऑन, टू इस तरीके से ये बाहर चला गया। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी ये एसीटोन जब अंदर था तो कौन से फॉर्म में था बताइए, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लेकिन आपको पता है बाद में ये क्या बन गया, गैस के फॉर्म में, एसीटोन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, पता है एसीटोन गैस होती है तो गैस होती है, अरे एसीटोन गैस बहुत फेमस है, आपने सुना होना चाहिए केमिस्ट्री में। तो यहां पर देखिए बच्चों, जो हमको आंसर पीछे दिया है वो दो दिया, एक तो साफ साफ दिख रहा है इवेपोरेशन, दूसरा आंसर इन्होंने हमको कॉमा लगा के, मतलब ये भी है और ये भी है, डिफ्यूजन भी दिया है। देखिए बच्चों, डिफ्यूजन इसलिए दिया है क्योंकि जब ये फ्लास्क रखा है तो देखिए आसपास, अभी यहां पर आसपास सराउंडिंग्स में एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो एसीटोन के पार्टिकल्स जब गैस फॉर्म में आने लगे, थोड़ा ध्यान दें प्लीज, जब एसीटोन के पार्टिकल्स गैस फॉर्म में आने लगे तो यहां सरफेस पर कलेक्ट होने लगे होंगे पहले, ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ एसीटोन के गैस जो पार्टिकल्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया और यहाँ पे एसीटोन्स के पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो है, तो एसीटोन के जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से किधर मूव करेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ, और यही तो डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूजन भी लिखा हुआ है, बात समझ में। लेते हैं पार्ट ई, पार्ट ई में कह रहा है कि मिल्क इज चर्न टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम इट। ओके, तो देखो मिल्क को चर्न किया जाता है, मतलब चर्न करोगे ना, वो चर्न नहीं आता एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो भी है आपने देखा होगा ना मम्मी को मिल्क वगैरह से ऐसा क्रीम निकालते हुए, ऐसे चर्न करते हैं उसको, है ना, चर्नर होता है लकड़ी का, ऐसे घुमाते हैं, या तो हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन वाली जो मशीन आती है उसमें से भी क्रीम अलग कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको वो बता देता हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन वाला मेथड बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्लास करिए जिनको बहुत डिटेल में देखना है। तो ये ऐसे टेस्ट ट्यूब होती हैं, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में हम सस्पेंशन डाल देते हैं, सस्पेंशन एज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सस्पेंशन, और इसको बहुत तेजी से घुमा देते हैं। जब घुमा देंगे तो क्या होगा, देखिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसको नीचे कर देगा और जो लाइटर पार्टिकल होंगे उसको ऊपर कर देगा, ठीक है। तो जब मिल्क को इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में लगा के घुमाया जाता है तो जो स्किम्ड मिल्क होता है, समथिंग इज कॉल्ड व्हाट, स्किम्ड मिल्क। देखो स्किम्ड मिल्क क्या होता है, जब मिल्क से क्रीम निकाल ली जाती है तो जो बचता है उसको स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। स्किम्ड मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भारी होते हैं और क्रीम होती है हल्की, तो क्रीम कहाँ जाएगी, ऊपर, और स्किम्ड मिल्क कहाँ जाएगा, नीचे, फिर क्रीम को ऊपर से सेपरेट आउट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सा है बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है। अगर मशीन नहीं है तो घर में अगर थोड़ा बहुत क्रीम निकालना है तो चर्नर से उसको चर्न कर देते हैं, चर्नर मतलब घुमाने वाला जो, अरे क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो, लकड़ी का होता है, अब जो भी है, ठीक है। तो चर्नर से हम उसको घुमा, तो फाइनली आप हाथ से करिए, जब आप हाथ से घुमाते होंगे ऐसे उसको लगातार, तो पूरे दूध में जो मिल्क होता है उसमें सर्कुलर मोशन होता है स्टूडेंट्स, और किसी भी अगर कहीं पे भी अगर सर्कुलर मोशन होता है तो दो तरीके के फोर्स लगते हैं, हमने आपको बताया, एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ और एक लगता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल एक शूडो फोर्स होता है, मतलब एक झूठा फोर्स होता है, हम सोचते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को, यानी कि जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स पैदा हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, जिसको इसके बारे में ज्यादा जानना हो मोशन वाला चैप्टर देखिए, उसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को बहुत डिटेल में पढ़ाया। तो बहरहाल एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको काउंटर करने के लिए हम सोचते हैं कि बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो यहां पर हम ये सोचेंगे कि जब चर्नर से उसको घुमाते हैं मिल्क को, तो क्योंकि सर्कुलर मोशन होगा उसमें, एक बार इधर घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इधर घुमाओगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो जब ये मोशन होता है तो लगातार क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसके उसको काउंटर करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है बाहर की तरफ, तो बाहर की डायरेक्शन में क्रीम कलेक्ट होने लगती है और अंदर की डायरेक्शन में आपको स्किम्ड मिल्क मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो ये कुछ प्रोसेस होता है। तो मोटी मोटी बात ये है कि ये है आपका क्या,
सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस. ओके, उसके बाद एफ लेते हैं, कह रहा है सेटलिंग ऑफ अ सैंड व्हेन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर लेफ्ट अनडिस्टर्ब. ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास सिक्स का क्वेश्चन है. हाँ, बालू ले लीजिए, जो सैंड नहीं होती है, मिट्टी ले लो, ठीक है, बालू ले लो, बालू सैंड, सैंड को वाटर में मिक्स करो, पहले अच्छे से मिलाओ, छोड़ दो अनडिस्टर्ब, अब मत छूना, छोड़ दो, क्या होगा बताओ. सैंड के पार्टिकल हैवी होते हैं बहुत, वो धीरे 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 बैठते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे. तो पहले पानी आपको अनक्लियर लग रहा था, क्लियर नहीं लग रहा था सॉल्यूशन, पहले आपको जो सॉल्यूशन तो नहीं, जो भी मिक्सचर है, मिक्सचर पहले अनक्लियर था, अब धीरे धीरे सैंड पार्टिकल्स नीचे बैठ गए और वाटर ऊपर आ गया, तो ऊपर क्लियर दिखने लगेगा आपको और सैंड नीचे, फिर से हिला दोगे तो फिर से सैंड पूरा ऊपर उसमें मिक्स हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा. तो बहरहाल ये जो सैंड नीचे बैठ जाता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि सैंड के पार्टिकल काफ़ी हैवी होते हैं तो उसका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा m into g से, तो वो नीचे बैठ जाएंगे और जब नीचे बैठ जाएंगे तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन. बहुत ईजी है, क्लास सिक्स वाला क्वेश्चन है, तो आंसर ये क्या है, सेडिमेंटेशन है. उसके बाद जी जी देखिए, कह रहा फाइन बीम ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ स्मॉल होल इन अ डार्क रूम. तो अंधेरा कमरा है और अंधेरे कमरे में एक खिड़की है, खिड़की में एक छोटा सा होल है और होल से ये लाइट जब आती है तो आपको फैलते हुए नजर आती होगी. तो ये जो ऐसे लाइट फैल जाती है, ठीक है, तो जब ये लाइट फैलती है बच्चों, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान से चेक करिए, अरे कोई तो पार्टिकल होते होंगे ना, छोटे छोटे, कोई तो पार्टिकल होते होंगे, मतलब अभी यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं पर वो होते हैं, वो आपको तब दिखना शुरू होते हैं जब लाइट होल से बाहर आती है और लाइट जब ऐसे फैल जाती है, और ये जो लाइट ऐसे फैल जाती है डिफ्रेक्शन फिनोमेना होता है, आप क्लास 12 में पढ़ोगे, तो वो छोड़ो अभी आप. लाइट जब इन पार्टिकल्स पे, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं एयर में, सस्पेंडेड मतलब लटके हुए घूम रहे होते हैं इधर, तो इस पे जब लाइट पड़ती है तो होता क्या है कि लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, लाइट फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लाइट क्या हो गई, फैल हो गई, फैल गई, और ये इल्यूमिनेटेड होते हुए आपको चमकते हुए नजर आते हैं पार्टिकल्स. अगर आप ध्यान से कभी देखा है आपने, ये पार्टिकल्स आपको चमकते हुए नजर आते हैं और लाइट के पास भी नजर आता है, और लाइट के पास में आपको छोटे 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 पार्टिकल्स नजर आते हैं अगर आप बहुत गौर से देखो, और वो चमकते हुए नजर आते हैं क्योंकि लाइट को वो स्कैटर्ड करते हैं. ओके, बहुत ही डिटेल में इसको हम क्लास 12 में देखेंगे कि लाइट क्यों स्कैटर्ड होती है. एक्चुअल में लाइट का वेवलेंथ होता है और ये जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, ये जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है ये पार्टिकल के साइज के इक्वल होता है लगभग. तो जब लाइट यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है, तो ये लाइट एक तरीके से इसमें फंस जाती है, आप ये कह सकते हो, जैसे आपकी टांग किसी पत्थर में फंस जाए और आप स्कैटर्ड हो जाओ, इधर फैल जाओ, गिर जाओ, तो ठीक उसी तरीके से लाइट स्कैटर्ड हो जाती है. तो ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, सिंपली आपने ये फिनोमेना देखा है और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको कि टिंडल ने पता किया था, जिसको कि टिंडल इफेक्ट भी बोला जाता है स्टूडेंट्स. तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या, कि ये स्कैटरिंग ऑफ क्या है, लाइट, जिसको क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट. ओके.